हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियरंजन, यू आर वाचिंग मी एट फोटॉन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में ना तो हम लोग बातें करेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन का, ना किसी फॉर्मुलेशन का, और ना ही मैं मार्कर चलाऊंगा बोर्ड पे आपको फॉर्मूला या किसी चीज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की। बस आज की वीडियो में हिस्ट्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। ऐसा नहीं कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा एक डिवाइस का हिस्ट्री जिसका नाम है कैपेसिटर। पता ही होगा कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर नहीं पता होगा तो कंडेंसर तो जरूर पता होगा। अगर कंडेंसर भी नहीं पता है, कैपेसिटर भी नहीं पता है, टेंशन ना लो, अभी तो सुन रखा ना कैपेसिटर। सो सवाल है कि सर ठीक है एक डिवाइस आप बता दिए कि कैपेसिटर, लेकिन हम तो इंट्रोड्यूस नहीं हुए कैपेसिटर से। मैं तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, मैं हुआ, तुम लोग इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। सो तुमने कहा कि सर ऐसा करो आप कि आप मुझे बता दो व्हाट इज कैपेसिटर, और हिस्ट्री बताते रहना कि इसका जन्मभूमि क्या है, जन्मदाता कौन है, या हुआ कहां, कैसे, इसका सदुपयोग कहां करते हैं, इसका दुरुपयोग कहां करते हैं, है ना। मैंने कहा सारी चीजें मैं बताऊंगा, चलो। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसी का काउंटर क्वेश्चन मेरा है। आपने तो टेंथ में पढ़ रखा है व्हाट इज रेसिस्टर, रेसिस्टर क्या है, रेसिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं उसके प्रॉपर्टी को। सो व्हाट इज रेसिस्टर मेरा काउंटर क्वेश्चन है आपसे। आपने कहा कि सर पढ़ा आप रहे हो, जवाब तो आप ही को देना चाहिए। मैंने कहा मैं ही दूंगा, चलो ठीक है, आप ही की तरफ से मैं जवाब देता हूं कि देखो मैंने ऐसा एक साइन बनाया, इस तरह का साइन, और इससे हम लोग बैटरी कनेक्ट किया करते थे और कहते थे कि अच्छा इसको हम लोग बोलेंगे रेसिस्टर, और इसके प्रॉपर्टी को बोलते थे रेसिस्टेंस, और हम लोग कहते थे ए वी बाई आई का रेशियो होता है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इससे फ्लो होने वाले करेंट, इन दोनों का रेशियो होता है, और इसका प्रॉपर फॉर्मूला शायद आप डिराइव कर चुके होंगे रो एल बाई ए, अगर डिराइव किया होगा तो। सो तुमने कहा कि सर ये मैथमेटिक्स हमें समझ में नहीं आया। मैं तो इतना जानता हूं कि सर जो रेसिस्टर होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में जहां करंट फ्लो होता है वहां यूज होता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हमारा बॉल फ्यूज कर रहा होता है छोटे छोटे सर्किट में या बड़े सर्किट में, तो रेसिस्टर जोड़ देते हैं तो बॉल फ्यूज नहीं करता है। कभी कभी हमें वोल्टेज को मैनिपुलेट करना होता है तो वहां रेसिस्टर जोड़ देते हैं तो वोल्टेज लो कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू रेसिस्टेंस लो और हाई दोनों होने लगता है। हम अपने डिवाइस अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। सो हमने कहा इससे ही पता चला कि रेसिस्टर एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट है। रेसिस्टर एक क्या है, इलेक्ट्रिक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है, और तुमने कहा एक डिवाइस है, इसका यूज होता है पोटेंशियल बढ़ाने के लिए पोटेंशियल घटाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक एलिमेंट है। क्या है, इलेक्ट्रिक एलिमेंट जिसका गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है हमेशा अपोज करने का चार्ज के फ्लो के को। अगर चार्ज का फ्लो का अपोज करता है तो ज्यादा हीट डिसिपिएट करता है, मतलब एनर्जी डिसिपिएट करता है, ओके, लाइट के फॉर्म में भी करता है, बहुत सारे फॉर्म में करता है। लाइट के फॉर्म में कैसे करता है, बल्ब जो पुराने जमाने में हमारा बल्ब हुआ करता था ट्रेडिशनल थॉमस अल्वा एडिसन वाला बल्ब, उसी का मॉडर्न फॉर्म जिसमें फिलामेंट हुआ करते थे टंगस्टन का, और उसको हीट देने पे क्या होता था वो लाइट फॉर्म में, तो रेसिस्टेंस हुआ करता था, और लाइट फॉर्म में क्या होता था, लाइट के फॉर्म में इमिट होता था लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। सो आपने यही सीखा कि एक रेसिस्टर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है या इलेक्ट्रिक एलिमेंट है। मैंने कहा ठीक उसी तरह कैपेसिटर भी एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट है जो हमारे सर्किट में यूज होता है, इसका सिंबल ये होता है, है ना। अब ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, पोलराइज कैपेसिटर जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ोगे, ठीक ना, ट्रिपल ई करोगे इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगी ये क्या क्या है, कैसे कैसे, है ना। लेकिन मैं भी उससे कम नहीं जा रहा, आपको पूरा बता दूंगा कि जब आप इंजीनियरिंग करने जाओ सो ऐसा फील ना हो कि अच्छा कैपेसिटर क्या है, ठीक। सो आपने देखा कि कैपेसिटर का सिंबल है, पहला चीज कैपेसिटर में जाना कि एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है या एक इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाला एलिमेंट है। मैंने कहा ठीक बहुत अच्छी बात है, आपने जान रखा है कैपेसिटर के बारे में। अब ये काम क्या करता है, जैसे रेसिस्टर काम करता है, इसका भी कोई काम वाम है क्या, तो मैंने कहा हाँ इसका काम है, इसका काम है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करना है, क्या है स्टोर करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखने वाले किसी बच्चे के दिमाग में सवाल उत्पन्न हुआ,
क्या बात करते हो सर, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर ही करना था तो हमारे पास पहले से ही अलेसांद्रो वोल्टा चाचा जी ने बैटरी दे रखा था। सो फिर ये कैपेसिटर क्या क्या क्यों कहे सर, कैपेसिटर ऐसा क्यों, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी ही स्टोर करना है या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करना है तो बैटरी में भी तो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर, तभी तो कुछ वर्क हम लोग कर पाते हैं बैटरी के थ्रू, तो कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कराने की क्या जरूरत थी। तो मैंने कहा कि देखो बैटरी बेसिकली केमिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, उससे भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, कैपेसिटर से भी इलेक्ट्रिक करंट जोड़े होते इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, लेकिन इसमें जो होता है केमिकल फॉर्म में, कोई ऐसा बैटरी नहीं होगा आपका ड्राई सेल हो या फिर नॉन ड्राई वाला जो भी हो, हर एक सेल में केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, लेकिन इसमें केमिकल नहीं है, इसमें कोई केमिकल लोचा नहीं है, इसमें चार्ज और फील्ड के टर्म में एनर्जी स्टोर है। सो आपको एक बात पता चला कि कैपेसिटर सर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो चार्ज और फील्ड के टर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक, मैंने कहा ठीक, क्या और डिफरेंस है बैटरी और कैपेसिटर में? मैंने कहा हाँ डिफरेंस है बैटरी और कैपेसिटर में, कि देखो बैटरी भी चार्ज को ट्रांसफर करता है और कैपेसिटर भी चार्ज को ट्रांसफर करता है। कैपेसिटर जो चार्ज को ट्रांसफर करेगा वो वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में करेगा, और बैटरी जो करेगा वो लार्ज टाइम इंटरवल में, दोनों में लोचा है। जैसे मैं कहूं एक एग्जांपल लू कि आपका ये पानी का टंकी आपके छत पे, ठीक, इसमें टोटल पानी मतलब पूरा पानी भरा हुआ है। अब पानी निकालने का दो तरीका है, एक टैप के थ्रू निकाले, जब टैप के थ्रू निकालेंगे तो एक कांस्टेंट वे में निकलेगा और बहुत देर में निकलेगा, है ना, ऐसा निकलेगा। तो ये जैसे पानी निकालने का तरीका हो गया वो बैटरी है, ठीक, और मैं कहूं कि ये नीचे वाले पेंदी को ही मैं हटा दूं, अभी भी पानी मेरा टोटल मान लो 100 लीटर का टंकी है, सो इसके थ्रू भी 100 लीटर ही आएगा, और जब नीचे वाला पेंदी ही हटा दें तो उसके थ्रू भी 100 लीटर ही आएगा, लेकिन ये अचानक से आएगा 100 लीटर और एक कांस्टेंट वे में आएगा। सो अचानक से जो देने का काम करता है चार्ज कैरियर को या चार्ज पे इलेक्ट्रॉन को वो होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है एकदम से अचानक से पूरा का पूरा चीज देता है और ये कांस्टेंट वे में देता है, डिस्चार्जिंग मतलब देने का मतलब डिस्चार्ज होना, और लेने का मतलब कैपेसिटर को भी चार्ज कर रहे हो और बैटरी को भी चार्ज कर रहे हो। आपके सेलफोन किसी भी चीज का बैटरी चार्ज होने में टाइम लगता है कि नहीं भाई साहब? और पंखे में जो लगा होता है, मैं दिखाऊंगा अभी लास्ट वीडियो लास्ट में कि कैसा होता है, डिस्चार्ज करके भी बताऊंगा कि जो पंखे में लगा होता है कंडेंसर उसको चार्ज करो, जैसे लगाओगे चार्ज और जैसे सटाओगे डिस्चार्ज, मतलब उसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में भी कोई वक्त नहीं लगता है। मतलब कैपेसिटर और बैटरी में सर दूसरा मेन डिफरेंस आ गया कि चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का, इसमें इंस्टेंटेनियसली चार्ज भी होगा और डिस्चार्ज भी होगा, कौन, कैपेसिटर, लेकिन बैटरी टाइम लेगा चार्ज होने में और डिस्चार्ज होने में, ये बेसिक डिफरेंस। सो सर ठीक है बैटरी, ये बेसिक आप डिफरेंस बता रहे हो, सो कहां जरूरत है, जैसे मैं कहूं किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या इलेक्ट्रिक डिवाइस, जैसे फैन हुआ, बहुत सारा आपका सर्किट हुआ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, टीवी रिमोट सब कुछ, किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल में जो भी चीज जरूरत होता है, जो कुछ भी हो, व्हाटएवर द एनर्जी, व्हाटएवर द फोर्स, वो अचानक से ज्यादा होता है कम, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है शुरुआत में, ठीक उसी तरह इनिशियल टॉर्क देने के लिए पंखा में जो होता है ना फैन में, वो फैन में इनिशियल टॉर्क देने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अगर हम बात करें कि कभी कभी तुम्हारा फैन खराब हो जाता है, नहीं चलता है, उस समय कैपेसिटर चेंज करते हो तो चलने लगता है, या स्पीड स्लो डाउन होता है तो कैपेसिटर चेंज करते हो ना। मेन रीजन क्या है कैपेसिटर, जो कैपेसिटर या कंडेंसर जो होता है वो जितना चाहिए चार्ज उतना हमारे मेन सर्किट से फैन को नहीं मिल पाता है, तो अगर कैपेसिटर ना जोड़े डायरेक्ट जोड़े तो जिंदगी में कभी भी फैन नहीं चलेगा, क्योंकि जितना चाहिए उसको उतना मिल ही नहीं पाता है। तो जितना चाहिए उतना मिलने के लिए उस बीच में हम लगाते हैं कैपेसिटर, क्या लगाते हैं कैपेसिटर, और कैपेसिटर ज्यादा अमाउंट में हमको देता है एनर्जी, उधर से लेता है मेन सर्किट से लेता है और ज्यादा अमाउंट में क्या देता है एनर्जी। जैसे मैं बात करूं एक और नल वाल के थ्रू समझाऊं, अभी ये तो समझ रखा होगा कैपेसिटर ये सारा चीज, एक और चीज मैं बता देता हूं कि कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, कि मान लो
हमारा पाइप है जिसके थ्रू पानी आ रहा है ना, और एक टैंक है और एक बाद में कहलाएगा कैपेसिटर। इस टैंक में पानी डाल रहा है कौन? ए। ये हमारा सोर्स हो गया, एसी सोर्स हो गया। एसी सोर्स का नहीं तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, और ये हो गया हमारा कैपेसिटर। और कैपेसिटर से डिवाइस को जो पानी चाहिए वो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, इतना चाहिए इतना। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही जोड़ते हैं ये अपना एनर्जी को पूरा करता है, फुलफिल करता है, पूरा पानी भर लेगा। अब तू पानी भर लेगा, अब पानी भरेगा तो इससे अब स्लो डाउन होते जाएगा लेवल। तो इससे जो पानी निकलेगा, इससे जो वाटर निकलेगा वो ज्यादा अमाउंट में होगा कि कम? ज्यादा, इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा अमाउंट में। और जैसे इधर कम होगा, लेकिन पहले एक बार भरता है, खुद क्या हो जाता है भर लेता है एकदम से। फिर जैसे ही ये कम होने लगता है फिर इधर से आ जाता है, इधर से आ जाता है, इधर से आ जाता है। इधर का रेट ज्यादा होता है, नो डाउट रेट ज्यादा होता है, लेकिन अमाउंट कम होता है। और इधर रेट भले ही कम हो लेकिन अमाउंट ज्यादा, ये अचानक से एक बार में बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। वही कहानी है कैपेसिटर का सर्किट में। इसमें वोल्टेज, इसमें जो चार्ज कैरियर होता है लेस अमाउंट में, अगर इसे डायरेक्ट हम कर दे कभी फुलफिल नहीं होगा। तो ये देता है कैपेसिटर का, बेटा तू चार्ज हो जा ढंग से और फिर तुम देना जो फैन वैन जो भी है उसको, और ऐसे काम करता है पूरा धीरे। लोगों का तब तक पूरा भर जाएगा, फिर लोग ऐसे करते 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 कैपेसिटर मेंटेन करता है। मतलब जो एनर्जी चाहिए अचानक से बहुत ज्यादा और मेन सोर्स से नहीं मिल सकता है, कौन देता है हमें? वो देता है कैपेसिटर। एक बार फुल चार्ज होने के बाद कैपेसिटर वर्क करता है। ठीक है, ये तो आपने बताया कि सर कैपेसिटर होता क्या है, वर्क कैसे करता है, एलिमेंट इलेक्ट्रिक एलिमेंट होता है, ये सारा चीज। इस कैपेसिटर नामक उलझाऊ डिवाइस को, खतरनाक डिवाइस को किस महानुभाव ने इन्वेंट किया, इसका क्या हिस्ट्री है? तो आते हैं हम लोग कहानी पे, और लास्ट में मैं वीडियो के दिखाऊंगा कैपेसिटर को कैसे चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं, और क्या फैन में लगा ही कैपेसिटर है या किसी और इलेक्ट्रिक डिवाइसेज में कैपेसिटर उसका रीडिंग है, बहुत कुछ। ओके, तो फटाफट हम लोग देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। जब हिस्ट्री की बात की जाएगी, सो हिस्ट्री की शुरुआत ऐसा हुआ, इसका इन्वेंशन ऐसा हुआ कि हम लोग जैसे कंडक्टर पे चार्ज देते थे, कुछ चार्ज रखे, बहुत ज्यादा चार्ज देते थे तो ये चार्ज हवा में स्पार्क कर जाता था, डिस्चार्ज हो जाता था, और उसको हम लोग बोलते थे कोरोना डिस्चार्जिंग। क्या बोलते थे? कोरोना डिस्चार्जिंग के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता था। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था इवाल्ड जॉर्ज वॉन क्लेस्ट, और वो जर्मन साइंटिस्ट थे। बड़ा खतरनाक सा लंबा सा नाम है, मुझे भी कहने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और आपने शायद वीडियो स्क्रीन पे इधर इस साइड राइट साइड उनका फोटो भी आप देख रहे होंगे। और उन्होंने क्या किया कि कंडक्टर को इंसुलेटर से ऊपर से ढक दिया, कहा कि अब तो होना हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ढंग का रिजल्ट नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे पास और भी तरकीब है। उन्होंने एक जार बनाया, एक जग लिया, इसको मैं मिटा रहा हूं ऐसा कुछ समझाने के लिए था, एक जग लिया और उसमें डाला पानी, मग ले लिया और उसमें डाला वाटर, ठीक, और तब इसको सर्किट से जोड़ के देखा, तो देखा कि सर्किट से जोड़ दिया, एक बार चार्ज हो गया, उसके बाद हटा के बल्ब जोड़ा या किस या खुद का शॉक लिया, तो शॉक ज्यादा लगा, कहा कि नहीं ये कंडक्टर से शॉक ज्यादा लग रहा है, मतलब इसमें चार्ज इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छा कलेक्ट हो रहा है चार्ज, तो ऐसा कुछ डिवाइस हो सकता है, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो जर्मन साइंटिस्ट। सो उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, डच साइंटिस्ट, डेनमार्क के साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था जो डच साइंटिस्ट थे उनका नाम था पीटर वॉन मसेनब्रुक। अब बड़ा खतरनाक नाम है, तो है मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा तो चिंटू मिंटू श्यामा राहुल यावा ऐसा नाम है या यू नो वी आर राहुल ऐसा कुछ नाम तो पता ही होता, ऐसा कुछ है नहीं, इतना खतरनाक है कि नाम लेने में भी कष्ट होता है। इनका फोटो आप मेरे लेफ्ट साइड देख रहे होंगे। उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, किसने? पीटर वॉन मसेनब्रुक, मसेनब्रुक ऐसा कुछ स्पेलिंग है ना, सो स्पेल आप जैसे कर लो। सो उन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा सुधार किया, थोड़ा सा रिजोल्यूशन लाया इसमें, और रिजोल्व क्या किया कि
जार में करा उसने उन्होंने ये कि एक अंदर लेयर रखा कंडक्टर का, बाहर भी एक लेयर रखा कंडक्टर का, और बीच में ग्लास और एक रॉड ऐसे चैन के थ्रू रॉड को ऐसे दिया रॉड, ठीक ना, एक बाहर टर्मिनल बाहर वाले मेटल से और अंदर वाले मेटल से ये वाला टर्मिनल, क्योंकि कनेक्टेड है ना अंदर वाले मेटल से, और एक बार चार्ज किया और डिस्चार्ज किया। जब चार्ज किया और डिस्चार्ज करने के लिए जब उन्होंने छुआ उसको, तो उनको इतना झटका जोरदार लगा कि उन्होंने कहा, उस समय फ्रांस का जो साम्राज्य था बहुत चरम पे था, मतलब पूरे यूरोप में फ्रांस लोग का बोलबाला था। सो उधर फ्रांसिस साम्राज्य था, तो उन्होंने कहा कि अगर फ्रांस के सम्राट इम्पेरर भी कहते हैं, उनका एक स्टेटमेंट है कि इस शौक को दोबारा लो, तो मैं लेना नहीं चाहूंगा। आज के जमाने अगर पीएम मोदी कहे किसी स्टूडेंट को कि बेटा आओ आज तुम्हें कैपेसिटर मैं सिखाऊंगा और इसके बाद तुम जाके नेशनल लेवल पे या कहीं भी स्पीच दोगे, इंटरनेशनल लेवल पे स्पीच दोगे कि अच्छा कैपेसिटर, इसी का कैपेसिटर चलेगा कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ लीडर ऑफ वर्ल्ड, यू नो इट्स थिंग्स ऑफ सेइंग राइट नाउ, हो सकता है भविष्य में, अभी तो नहीं है ना। चलो ठीक है, मैं बातें कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या क्या सुधार किया, अंदर भी फॉयल बाहर भी फॉयल बीच में ग्लास और तब चार्ज किया, तो देखा कि नहीं अब इनफ अमाउंट में चार्ज हो रहा है। और जो मिसकंसेप्शन डेवलप था कि पानी के अंदर चार्ज इकट्ठा हो रहा है और फट गया, नहीं, ये बीच में जो इंसुलेटर था ग्लास उसमें इकट्ठा हो रहा था, ठीक ओके। तो फिर इसका यूज किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका यूज किया। उनका बड़ा वेल नोन एक एक्सपेरिमेंट है, वेल नोन एक्सपेरिमेंट क्या है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, उन्होंने बरसात के दिनों में काइट उड़ाया, पतंग उड़ाया, और फिर वहां से चार्ज जो होता था लाइटनिंग के थ्रू चार्ज को इकट्ठा करने काम करते थे। एक बार वो की लगाया और शॉक बहुत जोरदार लगा कि मरते मरते बच के, तब उन्होंने इसी का हेल्प लिया। अच्छा, इसका स्पेशल नाम, चूंकि वो जो सेकंड वाले साइंटिस्ट थे मार्सियन ब्रॉयक, वो लिडेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे, सो उन्होंने इस जार का नाम, जार था इस जार का नाम लिडेन जार रखा। ऐसा नहीं कि लीड का बना हुआ, नहीं, लिडेन नाम का यूनिवर्सिटी था, वहां प्रोफेसर थे, तो उसी यूनिवर्सिटी के नाम पे इसने उन्होंने इस जार का नाम रखा लिडेन जार। लास्ट में फोटो भी आपको यहाँ पे लिडेन जार का दिख रहा होगा, बड़ा कलरफुल और अच्छा सा फोटो है लिडेन जार का, ओके। सो मैं कह रहा हूँ कि लिडेन जार उन्होंने ये नाम रखा किसका, डिवाइस का, और इसका यूज किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उस चार्ज को इकट्ठा करने के लिए, और उन्हें बहुत सारा लिया ऐसा ऐसा मग जग लिडेन जार और सबको पैरेलल में जोड़ के चार्ज को इकट्ठा किया, कहा कि हाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी सपोर्ट किया कि हाँ इसका यूज फर्दर हो सकता है चार्ज कलेक्ट करने में, एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करने में, कहा कि ठीक है। फिर आए एक अलेसांद्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट, आए नहीं, उनका अपना पैरेलल साइंटिस्ट रिसर्च चल रहा था, उन्होंने एक और चीज कह दिया इसको, कहा कि ये तो कंडेंसर है, उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कहा जैसे स्टीम कंडेंस होता है ना, ठीक उसी तरह चार्ज को कंडेंस करके इसमें रखा जाता है, इसलिए इसको नाम रखा कंडेंसर। और सौभाग्यवश 1950 तक हम लोग कैपेसिटर को कंडेंसर 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 ही बोलचाल के भाषा में बोलते थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और मॉडर्न हुआ तो कैपेसिटर प्रॉपर बोलने लगे हम लोग, ऐसा नहीं कि बस कन्वेंशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में जाओगे तो आप तुम्हें कंडेंसर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जो भी कंडेंसर या कैपेसिटर होगा वहां पे कैपेसिटर लिखा हुआ मिलेगा, उसका रीडिंग वेटिंग सब कुछ दिखा रहता है। तो ये था हिस्ट्री। फिर बाकी साइंटिस्ट लोग आए और इसमें समय रिजॉल्व करते गए, और कंडेंसर बहुत बड़ा कंडेंसर से छोटा छोटा कंडेंसर बनने लगा, और इतना छोटा छोटा भी कंडेंसर हो गया, बहुत सारा कंडेंसर का टाइप आता है, सेम सेरेमिक और नॉन सेरेमिक मॉडर्न कंडेंसर, बहुत छोटा छोटा कंडेंसर भी देखोगे आप किसी भी सर्किट को लोगे तो बिंदी टाइप से छोटा छोटा ऐसा बिंदी टाइप से ऐसा निकला हुआ बहुत सारा होगा ऐसा छोटा छोटा, किसी भी सर्किट को कोई भी रेडियो टीवी कुछ भी हो जाए खराब हो अच्छा को मत तोड़ना, उसको तोड़ के इसके मदरबोर्ड में देखो तो ऐसा ऐसा बहुत सारा तुम्हें मिलेगा कैपेसिटर। सबका काम है प्रॉपर डिवाइस को एकदम अचानक से एनर्जी, जैसे ऑन होगा उस प्रॉपर पार्ट को अचानक से एनर्जी देगा कौन, कैपेसिटर। सो ये था कहानी कैपेसिटर का, कि कैपेसिटर को जन्म किसने दिया, कहां कहां कैसे कैसे यूज होता है, और कैपेसिटर और बैटरी में क्या डिफरेंस है। बेसिक कैपेसिटर एक डिवाइस है जो क्या स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड फील्ड,
चार्ज आया तो फील्ड आएगा, और फील्ड आएगा तो एनर्जी स्टोर ही होगा। तो ये था हिस्ट्री। अब हम तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे लेडी का तो आपने देखा ही, फोटो में दिखा देता हूँ रियल में कैपेसिटर कैसे होता है, कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है, छोटा छोटा कैपेसिटर भी। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। आपने ये रीडिंग देखा होगा, यहां पर देखो ये दिखा लिखा है ना कैपेसिटर, ऐसे देख रखा होगा कैपेसिटर, दिख रहा है ना आपको, ऐसा देख ले भाई, कैपेसिटर है, फैन में यूज होने वाला कैपेसिटर है, इसको चार्ज करके मैं डिस्चार्ज आपके सामने करूंगा। अरे मदरबोर्ड में ये भी कैपेसिटर है, ध्यान देखें, ये भी क्या है कैपेसिटर है, अरे तो थोड़ा सा बड़ा है, छोटा छोटा और छोटा छोटा बिंदी टाइप से भी कैपेसिटर, बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं, सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल शेप का है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हुआ, ठीक ना, बहुत सारे कैपेसिटर है। तो ये भी कैपेसिटर है जो मदरबोर्ड में मोस्टली यूज होता है, और ये भी कैपेसिटर है जो मोस्टली फैन में यूज होता है। अब थोड़ा मैं चार्ज करके इसको डिस्चार्ज करके आपको बता दूं, देखूं दिखा दूं कि हाँ इसमें चार्ज भी इंस्टेंटली होता है और डिस्चार्ज भी इंस्टेंटली होता है। अब खतरा तो नहीं मोड़ लूंगा कि आपके सामने ये बोर्ड लाऊंगा ऐसे दे चार्ज, ऐसा तो नहीं, लेकिन मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। क्या दिखाना चाहूं, चार्ज कर लेता हूं। ओके अब कैपेसिटर चार्ज हो गया और आपके सामने डिस्चार्ज कर रहे हैं, देखो ये चार्ज हो चुका है, डिस्चार्ज हुआ। और अच्छे से एक बार और देख लो, हुआ, बार बार करते रहो चार्जिंग डिस्चार्जिंग। इसको भी चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा वायर छोटा है तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। इसको भी चार्ज और डिस्चार्ज, इसको चार्ज करके छोटा सा एलईडी बॉल अगर रखोगे तो इंस्टेंटेनियसली ये ग्लो करेगा एलईडी और फिर से डिस्चार्ज जाएगा। आपने ये देखा है कि बहुत जल्दी चार्ज हो जा रहा है, ऐसा नहीं वीडियो पॉज करके हम चार्ज कर रहा हो तुम्हें दिखा रहा हूं, नहीं, बहुत जल्दी चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज कितना जल्दी हो रहा है वो तो आपको पता ही है। सो आज के वीडियो में इतना ही, ये हिस्ट्री था व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या था, इसके इन्वेंटर कौन थे, क्या क्या कहानी था कैपेसिटर, बेंजामिन फ्रैंकलिन और वो खतरनाक से दो साइंटिस्ट का नाम, यहाँ यहाँ जो साइंटिस्ट थे आपको घुंघराले बालों वाले बड़ा भयंकर साइंटिस्ट, उनका नाम, उनका काम, उनका कैसे उन्होंने इन्वेंट किया, फिर वर्क क्या होता है कैपेसिटर और बैटरी में क्या डिफरेंस होगा, ये सब बेसिक। अगर अच्छे से वीडियो देखते हो और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा नोट्स बनाते हो तो कभी भी कैपेसिटर में और कंडेंसर बैटरी सब में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आई थिंक आपने वीडियो लास्ट तक देखा होगा, जानकारी आपको मिला होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर के बेसिक लेक्चर से चलेंगे कि कैपेसिटर में कैसे एनर्जी स्टोर होता है, कहां से आइडिया है, स्टोर एनर्जी कैसे निकालता है, कैपेसिटर का कोई ऐसे रेसिस्टर का प्रॉपर्टी होता है रेसिस्टेंस, ठीक उसी तरह कैपेसिटर का भी प्रॉपर्टी होता है कैपेसिटर, ये सारा चीज देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो मैक्सिमम वीडियो शेयर करो इसको स्पेशली, क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हर स्टैंडर्ड के बच्चों को जानकारी के लिए वीडियो देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।